एल्गोरिथम्स लिखे हैं, फिर इफ एल्स के थ्रू हम सिलेक्शन बेस्ड एल्गोरिथम्स लिखते हैं, और नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिपीटिशन। सुडो कोड में हम इसकी बात कर चुके हैं, यू नो के व्हाइल लूप कैसे लगाना है सुडो कोड के अंदर, और लूप के थ्रू किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अब हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को C++ लैंग्वेज के सिंटेक्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सिंटेक्स ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा कि हमने सुडो कोड में व्हाइल लूप का डिस्कस किया था। सो फ्लो चार्ट की अगर बात करें तो एक्सप्रेशन जो कि लूप की कंडीशन कहलाती है वो चेक होता है। अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो लूप की बॉडी कहलाती है ये एग्जीक्यूट होते हैं, और देन यू गो बैक टू द टॉप एंड चेक द कंडीशन अगेन। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल दिस एक्सप्रेशन दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स। इन जनरल कैसा स्ट्रक्चर होगा, व्हाइल के बाद एक्सप्रेशन आएगा पेरेंथेसिस के अंदर, उसके बाद एक स्टेटमेंट आएगी जो लूप की बॉडी है। इफ देयर आर मोर देन वन स्टेटमेंट्स देन दिस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मस्ट बी पुट इन कर्ली ब्रेसेस। एक स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लगा लेना बेहतर है जैसा कि डिस्कस किया था हमने सुडो कोड में। और अगर मोर देन वन स्टेटमेंट्स हैं तब तो लगाना जरूरी हो जाएगा कर्ली ब्रेसेस को। तो दिस इज कॉल्ड, दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज कॉल्ड द लूप हेडर, जिसके अंदर वाइल का कीवर्ड है, उसके बाद एक्सप्रेशन है, कंडीशन है लूप की, एंड दिस कर्ली ब्रेस से इस कर्ली ब्रेस तक दिस इज कॉल्ड लूप बॉडी, जिसके अंदर एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आ सकती हैं जो कि कंडीशन के ट्रू होने तक एग्जीक्यूट होती जाएंगी। नाउ लेट अस लुक एट अ सिंपल कोड सेगमेंट। लेट से कि हमें एक मैसेज, जिस तरह हमने सुडो कोड में भी देखा था, हेलो वर्ल्ड का मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं। तो दिस स्टेटमेंट विल प्रिंट दिस मैसेज वंस ऑन स्क्रीन। हम चाहते हैं कि वो मैसेज एक से ज़्यादा बार स्क्रीन पे डिस्प्ले हो, तो उसके लिए जाहिर है हमें लूप लगाना पड़ेगा। तो दिस स्टेटमेंट मस्ट बी पुट इनसाइड अ लूप, जिसकी यहाँ पे कोई कंडीशन आएगी। यहाँ पे कोई वेरिएबल लेट्स सपोज आई आपने बना लिया, और उसके बाद यहाँ पे आप कंडीशन लगाते हैं कि व्हाइल आई इज लेस देन 3, तब तक इस लूप को चलाते हैं। नाउ इट्स करंट फॉर्म दिस लूप as you would have guessed or you should have guessed is an infinite loop. Why? Because I am initializing I to be 0. If 0 is less than 3, condition will be true. अंदर आएगा वो hello world की statement को display करेगा और फिर दोबारा ऊपर चला जाएगा condition check करने के लिए। अच्छा, अब I की value अभी तक change नहीं हुई, I की value अभी भी 0 है, शुरू में भी 0 थी अभी भी 0 है, and it will remain 0 because मैं I की value को कहीं change नहीं कर रहा। तो hello world screen पे infinitely print होता हुआ नजर आएगा। पिछला के एक बार देख लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड कंटिन्यूसली प्रिंट होता जा रहा है। हम चाहते हैं कि सिर्फ 3 दफा ये मैसेज प्रिंट हो, ये 3 हमने इसलिए इसी मकसद के तहत लिखा था। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको आई को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब आप आई को इंक्रीमेंट करने के लिए ये स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी यूज की जा सकती है, और ये स्टेटमेंट भी यूज की जा सकती है, या प्री इंक्रीमेंट यूज करना है तो वो भी यूज किया जा सकता है। तो किसी भी मेथड से आई को इंक्रीमेंट कर लें। तो नाउ दिस लूप विल एग्जीक्यूट हाउ मेनी टाइम्स, दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड 3 टाइम्स एग्जैक्टली। फर्स्टली इट विल एग्जीक्यूट व्हेन आई इज 0, देन आई की वैल्यू 1 पे, देन आई की वैल्यू 2 पे, और 2 के बाद जब वैल्यू 3 होगी तो सिंस 3 विल नो लॉन्गर बी लेस देन 3, लूप विल टर्मिनेट। सो बाहर आके लूप से बाहर निकल के अगर मैं आई की वैल्यू लेट्स सपोज डिस्प्ले करके देखना चाहता हूँ तो वो वैल्यू मुझे 3 नजर आएगी। 3 दफा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा और 3 प्रिंट होगा एट द एंड आई की करंट वैल्यू जो कि मैंने यहाँ पे आउटपुट की। सो किसी भी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को जिसको आप मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद अप्रोप्रिएटली वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, कंडीशन अप्रोप्रिएटली लगाएंगे, और फिर उस वेरिएबल को हर बार इंक्रीमेंट करते जाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि ये स्टेटमेंट 3 नहीं 10 दफ़ा प्रिंट हो तो मैं यहाँ पे 10 पुट कर दूँ। नाउ इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट 10 टाइम्स, और उसके बाद अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हर मैसेज के साथ लाइन नंबर भी प्रिंट हो तो मैं यहाँ पे आई की वैल्यू भी साथ में डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो आई की वैल्यू 0 है तो ये पहला मैसेज डिस्प्ले हुआ लूप की पहली एट्रेशन में, लूप की दूसरी एट्रेशन में आई की वैल्यू 1 है। और मैं चाहता हूँ कि नहीं जी, लाइन नंबर्स
वन से स्टार्ट होनी चाहिए। यूजर के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो लाइन नंबर वन से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर स्प्रे करते वक्त इसको आई प्लस वन कर सकता हूँ। तो इन दिस वे अगर आप यूज़र से यही लॉजिक यूज़ करते हुए यूज़र से अगर आपने मल्टीपल नंबर्स इनपुट लेने हैं तो यूज़र को प्रॉम्प्ट करते हुए तो आप कह सकते हैं कि एंटर नंबर आई प्लस वन। तो पहली बार यूज़र को प्रॉम्प्ट होगा एंटर नंबर वन, फिर अगली बार प्रॉम्प्ट होगा एंटर नंबर टू, एंटर नंबर थ्री एंड सो ऑन। यहाँ पे उसने एक हेलो का मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट किया फाइव टाइम्स और डिजायर नंबर ऑफ टाइम्स फाइव को चेंज करके आप प्रिंट कर सकते हैं। अगेन अ सिंपल वेरिएशन वुड बी कि आप यूजर से पूछ लें कि आप मैसेज कोई भी कितनी बार प्रिंट करना चाहते हैं। तो एन के अंदर अगर आप हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार आप मैसेज देखना चाहते हैं, ज़्यादा मीनिंगफुल भी बना सकते हैं इस प्रॉम्प्ट लाइन को, और उसके मुताबिक मैं यहाँ पे वो एन पुट कर दूंगा और उतनी टाइम हेलो वर्ल्ड का मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर जो कहता है कि सिक्स टाइम्स वो देखना चाहते हैं तो सिक्स टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। तो दिस हैज नाउ बिकम अ मोर जेनेरिक लॉजिक जिसके अंदर मैं नंबर ऑफ इटरेशन ऑफ द लूप भी यूजर से ही पूछ रहा हूँ, एन वेरिएबल के अंदर पूछ रहा हूँ। तो वही चीज़ उसने यहाँ पे फ्लो चार्ट इसका दिखाया है, स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन किया है। तो दिस शुड बी क्लियर नाउ। एंड व्हाइल लूप इज कॉल्ड अ प्री टेस्ट लूप सिंस इसमें किसी भी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने से पहले, लूप की बॉडी एक बार भी एग्जीक्यूट होने से पहले कंडीशन चेक होती है। सिंस कंडीशन इज चेक बिफोर द बॉडी ऑफ द लूप देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ प्री टेस्ट लूप। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी नोट करने वाली है कि अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज इस स्टेटमेंट को, इस हेलो वर्ल्ड के स्टेटमेंट को तीन दफ़ा प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने आई लेस देन थ्री की कंडीशन लगा दी, लूप की बॉडी तीन दफ़ा चलेगी लेकिन लूप की ये वाली जो स्टेटमेंट है, कंडीशन है, हेडर जिसे हम कहते हैं, लूप का हेडर है, दिस विल एग्जीक्यूट फोर टाइम्स। ऑलवेज दिस विल हैपन कि कंडीशन ऑफ द लूप will be executed one time more than the body of the loop is executed. So if the body is executing three times, the condition will be executed four times. If the body is executed n times, the condition will be executed n plus one times. Just like this case. Infinite loop की भी हमने बात कर ली कि अगर आप increment नहीं करते, variable को change नहीं करते तो again वो statement infinitely चलती रहेगी। एक और केस यहाँ पे जो इसने डिस्कस किया है कि वाइल के बाद अगर आप सेमीकोलन लगा देते हैं तो सेमीकोलन लगाने से क्या होगा, वाइल की स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि ये जो स्टेटमेंट्स कर्ली बेसिस के अंदर लिखी गई हैं ये अब लूप की बॉडी नहीं है, लूप की बॉडी यहीं पे खत्म होगी है। कंपाइलर ये अज्यूम करेगा कि लूप की बॉडी एम्प्टी है, आप कोई स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट करवाना चाहते, लेकिन सिंस इंक्रीमेंट करने का भी मौका नहीं मिला नंबर के वेरिएबल को, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट लूप, दिस विल ऑल्सो रिजल्ट इन एन इनफाइनाइट लूप। इसको चला के भी एक बार देख लीजिएगा कि ये वाली स्टेटमेंट एक बार भी डिस्प्ले होती हुई नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वो ज्यूम कर रहा है कि ये स्टेटमेंट है, ये लूप की कंडीशन है, इसके आगे स्टेटमेंट नहीं है, लूप की बॉडी एम्प्टी है, और वो एम्प्टी बॉडी ऑफ द लूप को इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट करता रहेगा और यहाँ तक भी इवन हेलो के स्टेटमेंट तक भी इवन नहीं पहुँचेगा। सो बॉटम लाइन इज कि यहाँ पर आपने सेमीकोलन नहीं लगाना, जैसा इफ एल्स के केस में भी हमने डिस्कस किया था। और अगर बेसिस नहीं लगाएंगे तो ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी पार्ट, दिस इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट लूप बिकॉज ऑल्दो को ये स्टेटमेंट आगे इंडेंट करके लिखी गई है लेकिन ये लूप की बॉडी का पार्ट नहीं है सिंस कर्ली बेसिस नहीं लगाई हैं आपने। तो व्हाइल नंबर इज लेस देन फाइव, नंबर जीरो है तो जीरो लेस देन फाइव हमेशा रहेगा, हेलो हमेशा स्क्रीन पर प्रिंट होता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम प्रिंट होता रहेगा। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप कर्ली बेसिस का इस्तेमाल करें। एक और टिपिकल एरर जो कर सकते हैं आप कोड के अंदर वो ये है कि आप डबल इक्वल टू लगाने के बजाय सिंगल इक्वल टू लगा दें। तो इस केस में अगेन आपने चेक करना था कि रिमाइंडर कहीं वन तो नहीं है, तो डबल इक्वल टू इस्तेमाल करना था, लेकिन अगर सिंगल इक्वल टू यूज़ कर लिया है तो वंस अगेन दिस स्टेटमेंट विल इवेल्युएट टू ट्रू। व्हाई इज दैट, बिकॉज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर इन सी प्लस प्लस एवरी एक्सप्रेशन हैज़ अ ट्रूथ वैल्यू। किसी भी असाइनमेंट स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, जो वैल्यू उसके लेफ्ट हैंड साइड पर असाइन होती है। तो दिस
this expression will evaluate to true always, since one is being assigned and one is non-zero. Therefore, this statement will, this condition will always evaluate to true, regardless of the actual result in the remainder variable. इसको अगर यहाँ पे भी बात कर लें, लेट्स सपोज कि आपके पास कोई वेरिएबल है x. अब x में मैं 7 सेव करता हूँ, तो इस एक्सप्रेशन की ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी, सिंस अ नॉन जीरो वैल्यू इज बीइंग असाइंड इनटू x. -7 लेट्स सपोज मैं असाइन करता हूँ, तब भी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू होगी, सिंस -7 इज नॉन जीरो. तो कब फॉल्स होगी? व्हेन आई असाइन जीरो. तो जीरो इज कंसीडर्ड टू बी फॉल्स एंड नॉ एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज अज्यूम टू बी ट्रू. एनीवे, सो यू शुड बी केयरफुल दैट व्हेनेवर यू चेक इक्वालिटी, पुट डबल इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट द सिंगल इक्वल टू, व्हिच इज एक्चुअली द असाइनमेंट ऑपरेटर. Now here, एक और एग्जाम्पल में इसने while loop का यूज illustrate किया है, जिसमें वो चेक कर रहा है कि टेम्परेचर यूजर ने जो एंटर किया है वो किसी खास मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट से ज़्यादा तो नहीं है. अगर वो ज़्यादा है तो अगेन कोई मैसेज डिस्प्ले होता है, दोबारा टेम्परेचर लेने का कहा जाता है, 5 मिनट वेट करो, दोबारा टेम्परेचर लो, और दोबारा टेम्परेचर एंटर होता है और उसको दोबारा से चेक किया जाता है. तो एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर इज ग्रेटर दैन द मैक्स टेम, जो कि इसने यहाँ 102.5 डिफाइन किया है कॉन्स्टेंट के तौर पर, अगर वो ज़्यादा है तो बार बार यूज़र को यही मैसेज प्रॉम्प्ट करता रहेगा. और हमने इस तरह के लूप यूज़ किए हैं ऑलरेडी इनपुट वैलिडेशन के लिए भी सुडो कोड के अंदर. तो वही लॉजिक आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं कि एज लॉन्ग एज यूज़र इज़ प्रोवाइडिंग एन इनवैलिड इनपुट, आप उसको लूप के अंदर ही बार बार एरर मैसेज डिस्प्ले करके बार बार इनपुट लेते रहें. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल वुड बी योर मार्क्स एग्जाम्पल, कि मार्क्स की इनपुट आप ले रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं. मार्क्स वैलिड तभी हैं अगर वो 0 से 100 की रेंज में हैं. तो अगर मार्क्स लेस देन 0 हैं या यूजर ने जो मार्क्स की वैल्यू एंटर की है वो ग्रेटर देन 100 है, तो इट मींस के इनवैलिड है. तो आई शुड डिस्प्ले एन एरर मैसेज हियर, इनवैलिड मार्क्स एंटर योर मार्क्स अगेन, और उसके बाद दोबारा से इनपुट लेने. So this will be the structure of any loop which is used for input validation. इस तरह से आप करेंगे, पहले input आप loop से पहले लेंगे, prompt भी करेंगे obviously. तो पहले input loop से पहले लेंगे, loop की condition में इस input की validity को check करेंगे, अगर invalid है तो condition की spaces पे लगानी है, invalid को ध्यान में रखते हुए लगानी है. तो अगर invalid है तो एरर मैसेज डिस्प्ले करेंगे, दोबारा प्रॉम्प्ट करेंगे और दोबारा इनपुट लेंगे, फिर से चेक करेंगे. तो जब तक यहाँ पे प्रोग्राम तब तक नहीं आएगा जब तक के यूज़र वैलिड वैल्यू ऑफ मार्क्स ना दे दे. तो प्रीवियस चैप्टर में हम इफ़ के थ्रू इन जनरल इनपुट वैलिडेशन कर रहे थे. अब से ऑनवर्ड आप जितने भी टास्क मिलेंगे उस पर इनपुट वैलिडेशन आपको इस तरह से व्हाइल लूप के थ्रू करनी पड़ेगी. कंडीशन की भी बात हमने की थी पहले कि इनवैलिड की कंडीशन यहाँ पे लगानी है, तो इसी को लगाने का एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप वैलिड की कंडीशन लगा लें. अब मार्क्स वैलिड कब होते हैं? अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं एंड मार्क्स आर लेस देन इक्वल टू 100, ये तो वैलिड की कंडीशन है. तो इस सब का नॉट ले, तो ये भी वही कंडीशन बन जाएगी जो ऊपर वाली, वही डिमॉर्गन्स लॉ जो हमने बात की थी. नॉट जब अंदर जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू को लेस देन में तब्दील कर देगा, लेस देन इक्वल टू को ग्रेटर देन में तब्दील कर देगा, और एंड को और में तब्दील कर देगा. तो दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन विद दिस नॉट इज आर इक्विवेलेंट, तो दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं. इन जनरल प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा कि वैलिड को सोचना ज़्यादा आसान है तो आप वैलिड की कंडीशन लगा के उसको नॉट कर देंगे, अगर इनवैलिड की कंडीशन लगाना ज़्यादा आसान है तो डायरेक्टली इनवैलिड की कंडीशन लगा देंगे. तो दिस इज़ हाउ यू वुड राइट एन इनपुट वैलिडेशन लूप, और अक्सर टास्क में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी. यहाँ पर भी इसने ये बताया सेक्शन 5.3 में कि यूजिंग अ व्हाइल लूप फॉर इनपुट वैलिडेशन, वो हमने डिस्कस कर लिया है, इसको भी एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा. चेकमेट एक्सरसाइजेज हैं वो भी देख लीजिएगा.
अच्छा, जहाँ पे जो हमने लूप के अंदर वेरिएबल यूज किया था लूप को कंट्रोल करने के लिए, सच वेरिएबल्स आर कॉल्ड काउंटर्स बिकॉज दे आर यूज टू काउंट द नंबर ऑफ आइट्रेशन ऑफ द लूप, और बेसिकली कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं कि लूप कितनी बार चले। और इस तरह के लूप्स को काउंटर कंट्रोल लूप्स कहा जाता है बिकॉज काउंटर की वैल्यू की बेसिस पे वो चल रहे होते हैं, उनके चलने का डिसीजन हो रहा होता है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि लूप एन दफ़ा चले, तो हमने एक वेरिएबल आई जीरो से इनिशियलाइज कर लिया, एक बार चलाने के बाद हम उसे इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो ये कंट्रोल कर रहा है कि लूप एन दफ़ा ही चलेगा, ना उसे ज़्यादा बार चलेगा ना उसे कम बार चलेगा। स्टेटमेंट जो कंडीशन है वो ऑब्वियसली एक ज़्यादा बार चलती है, बट बॉडी ऑफ द लूप विल एग्जीक्यूट एन टाइम्स। ओके नाउ इसको भी देख लीजिएगा, कोई ज़्यादा मसला नहीं होना चाहिए इसको समझने में। नाउ अनदर टाइप ऑफ लूप इज कॉल्ड अ डू व्हाइल लूप। नाउ हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ व्हाइल लूप, लेट अस लुक एट एन एग्जांपल। Now do while loop is a post test loop. It means that condition is put at the end of the do while loop. So it starts with the keyword do. Afterwards there is a body of the loop within curly braces which is ended by the keyword while. After that in parentheses you put the condition here and it is terminated by a semicolon. So iske end pe semicolon aayega hamesha. तो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज उसी तरह का कोई मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, हेलो पीएफ क्लास, ऊपर मैं लूप को कंट्रोल करने के लिए एक काउंटर वेरिएबल आई के नाम से लेट्स सपोज बना देता हूँ। यहाँ पे मैं आई को इंक्रीमेंट कर देता हूँ और जहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि वाइल आई इज लेस देन 3 तो ये लूप एग्जीक्यूट हो, तो ये लूप बन गया। आई 0 है, आई 0 से इनिशियलाइज हो रहा है, उसके बाद लूप चलता है। अब पहले बार जब आई 0 है यहाँ पे आएगा पहली बार, तो देर इज नो कंडीशन टू चेक किया, तो इट विल सिंपली कम इनसाइड, जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी कंडीशन चेक किए बगैर। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ पोस्ट टेस्ट लूप। वाइल लूप वॉज कॉल्ड अ प्री टेस्ट लूप सिंस इसमें कंडीशन पहले आती है बॉडी बाद में आती है। दिस इज कॉल्ड अ पोस्ट टेस्ट लूप सिंस बॉडी पहले आ रही है लूप के कीवर्ड के बाद और वो कंडीशन वाइल के साथ जो आ रही है वो एंड में आ रही है, तो दिस इज कॉल्ड अ पोस्ट टेस्ट लूप। अब क्या होगा इसको अगर एग्जीक्यूट करके देखें तो हेलो पी एफ क्लास का जो मैसेज है ये आपको वंस अगेन 3 टाइम्स ही एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई देगा। कैसे? सबसे पहले आई 0 है, तो आई 0 है तो अंदर आएगा, यहाँ पे हेलो पी एफ क्लास डिस्प्ले करेगा एंड आई 0 से हो जाएगा 1। अब आई जब 1 हो गया तो कंडीशन चेक करेगा 1 इज लेस देन 3, दोबारा से ऊपर जाएगा अंदर आएगा हेलो पी एफ क्लास सेकेंड टाइम डिस्प्ले करेगा और आई इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 2। नो सिंस 2 इज लेस देन 3 तो एक बार फिर कंडीशन 2 है, दोबारा से ऊपर जाएगा हेलो पी एफ क्लास डिस्प्ले करेगा थर्ड टाइम, उसके बाद इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 3। नाउ इंक्रीमेंट होते साथ ही कंडीशन है अब चेक होना 3 इज लेस देन 3, नो सिंस आई हैज नाउ बिकम 3, 3 इज नॉट लेस देन 3, सो कंडीशन हैज बिकम फॉल्स एंड लूप विल टर्मिनेट और लूप से बाहर निकल आएगा। सो 3 दफ़ा ये मैसेज अभी भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डू व्हाइल एंड अ व्हाइल लूप? लेट्स अज्यूम दैट इनिशियली द वैल्यू ऑफ आई is 4. What will happen in this case? Let us try to execute and see. Message अभी भी एक बार display हो रहा है, although still i की value 4 थी, less than 3 नहीं थी, लेकिन message अभी भी display हुआ क्योंकि condition ने check होना है एक बार body के execute होने के बाद। So i 4 है, अंदर आएगा, अभी तक i की value नहीं check हुई,
मैसेज डिस्प्ले हो गया, तो हेलो पीएफ क्लास डिस्प्ले हो गया, आई इंक्रीमेंट होकर 4 हो गया, सॉरी 5 हो गया, और उसके बाद 5 less than 3 कंडीशन चेक हुई तो पता चला ये फॉल्स है और लूप टर्मिनेट करके। तो डू व्हाइल लूप्स बॉडी इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। सो व्हाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड, द बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड 0 or more times, व्हाइल इन अ डू व्हाइल लूप द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड 1 or more times, द बॉडी इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। इन द केस ऑफ अ व्हाइल लूप, इफ द कंडीशन इज फॉल्स टू स्टार्ट विद, द बॉडी ऑफ द लूप वॉन्ट बी एग्जीक्यूटेड, जैसा कि हमने ऊपर यहाँ पे देखा था। तो इस पर लूप की बॉडी नहीं एग्जीक्यूट होगी अगर आई ये वाली कंडीशन शुरू में ही फॉल्स होगी, जबकि डू व्हाइल लूप के अंदर बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। बाकी उसका स्ट्रक्चर वैसे ही है, सिर्फ डिफरेंस वही है कि कंडीशन अब एंड में, बॉडी के एंड में चेक होती है, बॉडी के एग्जीक्यूट होने के बाद चेक होती है, बॉडी से पहले नहीं चेक होती जैसा कि व्हाइल लूप में था। तो दिस इज कॉल्ड अ प्री टेस्ट लूप, एंड डू व्हाइल लूप जो कि अभी हमने देखा इज कॉल्ड अ पोस्ट टेस्ट लूप। व्हाइल लूप्स बॉडी इज एग्जीक्यूटेड 0 or more times, व्हाइल डू व्हाइल लूप्स बॉडी इज एग्जीक्यूटेड 1 or more times, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑब्वियसली। सो किस किस्म के काम आप डू व्हाइल लूप के थ्रू करना चाहेंगे? अगेन ऐसे काम जो आप चाहते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स जो आप चाहते हैं कम से कम एक बार जरूर एग्जीक्यूट हो। व्हाइल लूप के थ्रू तो वर्स्ट केस में वो या मिनिमम वो 0 times एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई काम एक दफ़ा ज़रूर हो तो उसके लिए आप डू व्हाइल यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसमें वही जनरल स्ट्रक्चर इलस्ट्रेट किया है, उसका फ्लो चार्ट इलस्ट्रेट किया है। अब इसके फ्लो चार्ट में भी नोट करेंगे कि पहले आप ऊपर से आ रहे हैं तो स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स आपकी बॉडी ऑफ द लूप है, वो पहले आएगी और कंडीशन बाद में आएगी। क्योंकि व्हाइल लूप के केस में आपने देखा होगा कि एक्सप्रेशन पहले आता है, कंडीशन पहले आती है और फिर स्टेटमेंट्स आती हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट पहले बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हुई, फिर कंडीशन चेक हुई, कंडीशन अगर ट्रू है तो वापस ऊपर चले गए, दोबारा एग्जीक्यूट किया, एंड सो ऑन, एंड दिस गोज ऑन अंटिल दिस एक्सप्रेशन विच कम्स एट द एंड बिकम्स फॉल्स। नाउ दिस इज अ टिपिकल यूजेज ऑफ अ डू व्हाइल लूप। दिस प्रोग्राम इज सपोज टू टेक 3 scores फ्रॉम द यूजर, कैलकुलेट्स देयर एवरेज एंड डिस्प्लेस दैट एवरेज ऑन द स्क्रीन। नाउ आई वॉन्ट दिस प्रोग्राम टू डू दिस मल्टीपल टाइम्स। पहले एक बार यूजर से 3 score ले, उसके एवरेज करे, डिस्प्ले करे, फिर 3 score ले, उसको एवरेज करे, डिस्प्ले करे, यूजर से पूछ के, यूजर अगर यस एंटर करता है तो तभी वो दोबारा चले। अब प्रोग्राम जब पहली बार चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा कि पहली बार ही आप यूजर से पूछ रहे हो कि आप यस नो एंटर करें। तो दिस इज एन आइडियल सिनेरियो फॉर द यूजेज ऑफ अ डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप इंस्टेड ऑफ अ व्हाइल लूप उसने यूज किए, 3 scores शुरू में आते साथ ही एंटर करेंगे, जैसे कि आप यहाँ सैम्पल एंड में भी देख सकते हैं, यूजर 3 score एंटर करेगा, उसकी एवरेज डिस्प्ले होगी और यूजर को ये सवाल पूछा जाएगा, डू यू वॉन्ट टू एवरेज अनदर सेट, दोबारा से 3 number एंटर करना करके उसकी एवरेज करना चाहते हैं। यूजर अपनी चॉइस एंटर करेगा करेक्टर वेरिएबल अगेन के अंदर, और यूजर का चॉइस कैपिटल वाई या स्मॉल वाई एंटर करता है तभी लूप चलेगा। अदरवाइज अगर यूजर वाई के अलावा एन एंटर करता है फॉर नो या कोई और करेक्टर एंटर करता है तो लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो दिस इज अ लॉजिक विच वी वॉन्ट टू एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस। पहली बार एग्जीक्यूट वैसे ही हो जाए, उसके बाद सेकेंड या थर्ड या फोर्थ टाइम एग्जीक्यूट हो अगर यूजर चाहे, तो इस किस्म की जगहों पे आप डू व्हाइल लूप यूज करें। एक और जगह जहाँ पे आप डू व्हाइल लूप यूज करेंगे वो होंगे आपके मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम्स। अभी एक्सरसाइज के अंदर भी और लैब और असाइनमेंट्स के अंदर भी आपको इस किस्म के प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे, जिसके अंदर आप यूजर को एक मेन्यू डिस्प्ले करेंगे और यूजर उस मेन्यू में से ऑप्शंस का चूज करेगा। अब मेन्यू एक ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि मेन्यू शुड बी डिस्प्लेड टू द यूजर एटलीस्ट वंस, क्योंकि जब आपका प्रोग्राम शुरू हुआ है तब मेन्यू तो डिस्प्ले हो ही जाना चाहिए, चाहे यूजर उसमें से क्विट की ऑप्शन ही क्यों ना सेलेक्ट कर लें। तो मेन्यू वाला जो लॉजिक है वो आप एक डू व्हाइल लूप के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, सो दैट के मेन्यू डिस्प्ले करे एक बार एटलीस्ट, और उसके बाद यूजर अपनी चॉइस एंटर करे, और अगर यूजर बार बार वही काम करना चाह रहा है तो दोबारा से उसको मेन्यू डिस्प्ले होता जाए। यहाँ पे अगली एग्जांपल में, जैसे अगले सब सेक्शन में आप देख सकते हैं, उसने डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल मेन्यूज के हवाले से दिखाया है। ये वही हेल्थ क्लब मेंबरशिप का प्रोग्राम है जो कि पहले भी उसने इस चैप्टर में और पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया है। तो हेल्थ क्लब मेंबरशिप के प्रोग्राम में ये मेन्यू यूजर को डिस्प्ले करना है, और अब वो देखें डू व्हाइल लूप यूज कर रहा है, डू और ये उसका व्हाइल है, व्हाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू क्विट चॉइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मेन्यू इज डिस्प्लेड विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन, यूजर इज गिवन द चॉइस,
कि अगर आप स्टैंडर्ड एडल्ट मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो 1 एंटर करें, 2 सिमिलरली 3, और क्विट करना चाहते हैं तो 4 एंटर करें। अब यहाँ पे डू वाइल लूप बाहर लगाया मेन्यू को डिस्प्ले करने के लिए, बार बार डिस्प्ले करने के लिए, और अंदर वाइल लूप ये लगाया हुआ है इनपुट वैलिडेशन का कि अगर चॉइस उसने इनवैलिड एंटर कर दिया है तो वैलिड चॉइस एंटर करने का उसे कहो, तब तक उसे एरर मैसेज डिस्प्ले करके यहीं पे दोबारा एंटर करते रहो जब तक कि वो वैलिड चॉइस ना एंटर करते। फिर अगर चॉइस कुछ चॉइस के इक्वल नहीं है तो उसके मुताबिक एक्शन लो और उसके बाद उसके चार्जेस वगैरह डिस्प्ले करो और फिर दोबारा से चॉइस के ऊपर चेक लगाया हुआ है कि चॉइस अगर कुछ चॉइस नहीं है तो जिन्होंने अगर 1, 2, 3 में से कोई भी ऑप्शन एंटर किया था तो दोबारा से मैसेज दोबारा से मेन्यू डिस्प्ले होगा, दोबारा से चॉइस ली जाएगी एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन अनटिल द यूजर सेलेक्ट ऑप्शन 4। तो इस तरह का एक छोटा सा मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम खुद भी लिख लीजिएगा डू वाइल लूप के थ्रू और देख लीजिएगा कि ये कैसे काम करता है। अगेन नीडलेस टू से चेक पॉइंट एक्सरसाइजेस भी करनी है। एक और लूप जो C++ के अंदर एग्जिस्ट करता है वो है फॉर लूप। तो अब तक हम वाइल लूप देख चुके हैं, डू वाइल लूप देख चुके हैं। वाइल लूप वाज अ प्री टेस्ट लूप एंड डू वाइल लूप वाज अ पोस्ट टेस्ट लूप। दिस इज अ प्री टेस्ट लूप एंड डू वाइल वाज अ पोस्ट टेस्ट लूप। फॉर लूप इज अ थर्ड लूप इन C++। तीन तरह के लूप्स हैं C++ के अंदर, वाइल डू वाइल एंड फॉर। फॉर लूप इज ऑल्सो अ प्री टेस्ट लूप, मतलब इसके अंदर भी कंडीशन स्टार्ट में चेक की जाती है, लेकिन जो प्रीवियस दोनों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कैसे मुख्तलिफ है, लेट अस सी। इसके अंदर फॉर के बाद तीन पार्ट्स आएंगे कंडीशन की जगह। तो फॉर कीवर्ड से स्टार्ट होगा, यहां पे आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे पहले पार्ट में। तो देयर आर थ्री पार्ट्स हियर सेपरेटेड बाय टू सेमीकोलंस, और उसके बाद उसकी बॉडी है। यहां पे आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो कि आप इस लूप के तहत एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। फर्स्ट पार्ट इज योर इनिशियलाइजेशन, तो आई को मैं 0 से इनिशियलाइज करना चाहता हूं। सेकेंड पार्ट इज योर कंडीशन, मैं लूप को उस वक्त तक एग्जीक्यूट करना चाहता हूं व्हाइल आई इज लेस देन 5। एंड थर्ड पार्ट इज योर इंक्रीमेंट, जिसके अंदर आप वेरिएबल आई की वैल्यू को अपडेट करें, I++ में करना चाहता हूं। I++ भी लिख सकते हैं, I=I+1 भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह से आप इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। और अंदर आप कोई भी मैसेज डिस्प्ले करते हैं यूजिंग अ फॉर लूप। तो यहां भी अब क्या होगा, पहले से एग्जीक्यूट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो यूजिंग अ फॉर लूप वाली स्टेटमेंट 5 दफा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुई। अगर मैं यहां पे 5 के बजाय 3 कर दूं तो अब वो स्टेटमेंट 3 टाइम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती हुई दिखाई देगी। सो दिस इज द इनिशियलाइजेशन पार्ट, जहां पे आप वेरिएबल की वैल्यू को, लूप को कंट्रोल करने वाला जो वेरिएबल है, इस केस में आई वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। दिस इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर लूप स्टार्ट्स टू एग्जीक्यूट, इट इज एग्जीक्यूटेड ओनली इन द फर्स्ट आइटरेशन। इसकी एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक होगी, और कंडीशन अगर ट्रू है तो वो अंदर आएगा, लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। सो फॉर द फर्स्ट टाइम दिस स्टेटमेंट इज नॉट एग्जीक्यूटेड, एंड when this body has executed once it goes back to the top and now initialization will not be done. Initialization sirf pehli dafa ki jayegi, uske baad kya hoga, second third or all subsequent iterations ke andar pehle increment kiya jayega aur uske baad condition check ki jayegi. To i 0 tha, i 1 hoga, condition check hogi 1 is less than 3, dobara se andar aayega wo message display kar dega, phir dobara jayega condition increment karega, 2 ho jayega i, 2 is less than 3, फिर से अंदर आएगा और तीसरी बार ये स्टेटमेंट डिस्प्ले करेगा। उसके बाद जब वो यहाँ पे आएगा 2 से 3 हो जाएगा आई, नाउ 3 इज नॉट लेस देन 3, लूप विल टर्मिनेट एंड यू विल कम हेयर, कंट्रोल विल कम हेयर। सो लूप अभी भी, लूप की बॉडी अभी भी 3 दफा ही चल रही है, लेकिन यहाँ पे अभी तीनों चीज़ें इकट्ठी होगी। अगेन अगर यही लॉजिक हम एक वाइल लूप के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो
So we are going to implement it like this in char statements. So, अगर हम while loop के थ्रू implement कर रहे हैं तो उनको obviously हम इस तरह से implement कर रहे हैं. अंदर वही मैसेज फॉर की जगह यहाँ while कर लेते हैं और आई इंक्रीमेंट हो. तो दिस कोड सेगमेंट इज डूइंग द सेम थिंग यूजिंग अ वाइल लूप विच दिस कोड सेगमेंट इज डूइंग थ्रू अ फॉर लूप. अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो तीनों स्टेटमेंट्स इनिशियलाइजेशन वाली, कंडीशन वाली और इंक्रीमेंट वाली कंसाइज होके यहाँ पे पहली स्टेटमेंट के अंदर ही फॉर के साथ ही आ गई. तो स्ट्रक्चर इज मोर कंसाइज एज कम्पेयर टू अ वाइल लूप. बाकी एग्जीक्यूट वो उसी तरह से ही हो रहा है कि कंडीशन चेक होती है, उसके बाद बॉडी एग्जीक्यूट होती है, देन यू गो इंक्रीमेंट करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं एंड सो ऑन. सो फॉर लूप को अगर देखें, इन द फर्स्ट आइट्रेशन, पहली आइट्रेशन में वो क्या एग्जीक्यूट करेगा, इनिशियलाइजेशन करेगा, कंडीशन चेक करेगा, इन जनरल आई लेस देन एन, वेयर एन इज मे बी टेकन फ्रॉम यूजर और मे बी डायरेक्टली पुट इन द प्रोग्राम. सेकेंड आइट्रेशन में वो क्या करेगा. सो इन द फर्स्ट आइट्रेशन in the first iteration these two statements will be executed in this order, firstly this one and then this condition will be checked, and if this condition is true it will go inside the loop. And in the second iteration onwards wo pehle increment kya karega, fir condition check kya karega, lekin is case mein again initialization nahi kiya karega. फर्स्टली दिस वन देन दिस वन. तो सेकेंड इटरेशन में भी ऐसा होगा, थर्ड इटरेशन अगर चलती है तो उसमें भी ऐसा ही होगा, एंड ऑल सबसिक्वेंट इटरेशंस में भी ऐसा ही होगा. तो अगेन रिपीट कर देता हूँ कि पहली इटरेशन में इंक्रीमेंट होगी, कंडीशन चेक होगी लेकिन सॉरी इनिशियलाइजेशन होगी, कंडीशन चेक होगी लेकिन इंक्रीमेंट नहीं चलेगा. और सेकेंड इटरेशन में ये इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ जाएगा, फिर बॉडी एग्जीक्यूट करके आएगा, थर्ड इटरेशन में फिर से इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, एंड दिस लूप विल गो ऑन अंटिल दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स. तो होपफुली द वर्किंग ऑफ फॉर लूप इज नाउ क्लियर. ये तमाम चीज़ें उसने यहाँ पर भी एक्सप्लेन की हैं वर्किंग, के स्टेप वन, स्टेप टू है, स्टेप थ्री है. पहले इनिशियलाइजेशन करेगा, कंडीशन चेक कर रहा है, स्टेप थ्री में बॉडी को एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर यहाँ पे वापस आके इंक्रीमेंट कर रहा है, कंडीशन चेक करेगा एंड रिपीट. इसका फ्लो चार्ट अगर देखेंगे तो असाइन जीरो टू काउंट, तो ये वाली जो लॉजिक है ये सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होनी है, तो दिस विल कम बिफोर द कंडीशन. उसके बाद कंडीशन चेक होगी, फिर उसकी बॉडी आएगी जो कि सी आउट स्टेटमेंट है, और फिर वो इंक्रीमेंट करेगा, ये जो तीसरा पार्ट था आपके फॉर लूप के हेडर का, फिर वापस चला जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए, फिर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा एंड सो ऑन. अब आप किसी भी रेंज में लेट्स सपोज नंबर्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यू कैन क्विकली डू इट थ्रू अ फॉर लूप. लेट्स सपोज आई वांट to display all numbers from 40 up till 60.
अगेन स्टेट्स में ब्रेसेस जरूरी नहीं है, लेकिन टू मेक इट अ हैबिट लेट्स पुट द ब्रेसेस हियर। एग्जीक्यूट करते हैं तो तमाम नंबर 40 से लेकर 60 की रेंज में जितने भी नंबर हैं वो एक एक करके डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर मैं इंक्रीमेंट 2 का कर दूं अब क्या होगा, अब दो दो के डिस्टेंस से नंबर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे, तो 40 डिस्प्ले होगा, फिर 42 होगा, 44 होगा, एंड सो ऑन अप टू 60। इस तरह मुख्तलिफ वेरिएशन इसकी अपने तौर पे ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप फॉर लूप के अंदर इस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं ये 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को प्रिंट करवा रहा हूँ, इसको एग्जीक्यूट करके एक बार आउटपुट देख लेते हैं, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, कि यहाँ पे लूप की बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट नहीं करना, क्योंकि इंक्रीमेंट यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट अगर करेंगे तो वो 2 बार इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो बिकॉज यू माइट से कि सिंस वाइल लूप की बॉडी में इंक्रीमेंट हो रहा था तो यहाँ पर भी करना है, तो अगर कर देंगे तो ये एक्चुअली लॉजिक थोड़ी सी गलत हो जाएगी, क्योंकि आई अब 2 बार इंक्रीमेंट होगा, आई डिस्प्ले होगा उसके बाद यहाँ पे भी इंक्रीमेंट होगा, फिर जब ऊपर जाएगा तो ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होनी है, तो यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब अगर इसके आउटपुट पे गौर करें तो आउटपुट विल बी 13579 के 1 के बाद एक्चुअली वो 1 तो डिस्प्ले हो गया, फिर वो 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, तो डिस्प्ले होते वक्त उसकी वैल्यू 3 थी। सिमिलरली फिर 4 में डिस्प्ले होगा, 5 होगा, एंड सो ऑन 7 और 9 होंगे, दरमियान में नंबर्स कुछ डिस्प्ले नहीं होंगे। सो 2 बार फिर इंक्रीमेंट नहीं करना, अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। या अगर आप स्किप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि यहाँ पे इंक्रीमेंट ना हो, मैं यहाँ पे खुद से करूँगा, आल्दो किसी कोई खास रीज़न नहीं होनी चाहिए, बट लेट्स से आप करना चाहते हैं तो यू कैन स्किप दिस पार्ट, क्योंकि इन 3 पार्ट्स को आप ऑप्शनल भी कर सकते हैं, इनमें से स्किप भी कर सकते हैं। तो नाउ इंक्रीमेंट अब यहाँ पे नहीं हो रहा, बॉडी के अंदर एक्सप्लिसिटली खुद से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो नाउ इट विल करेक्टली डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 1 अप टू 10। सिमिलरली यू माइट स्किप द इनिशियलाइजेशन पार्ट एज वेल, और कहते हैं जी मैं लूप से बाहर ही इसको इनिशियलाइज कर लूँगा, आई को 1 से मुझे यहाँ पे इनिशियलाइजेशन भी नहीं करनी, तो उसको भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन सेमी कोलन हैव टू बी देयर, सेमी कोलन आपको पुट करने पड़ेंगे, तो इन ऑर्डर टू इंडिकेट टू द कंपाइलर के जी पहला पार्ट नहीं है वो एम्प्टी है, ये दूसरा पार्ट है विच इज़ द कंडीशन, और ये तीसरा पार्ट भी एम्प्टी है, तीसरा पार्ट भी एम्प्टी है। सो इनिशियलाइजेशन भी मैं खुद कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट भी मैं खुद कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये कंडीशन सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ। सो इसको भी चला के देख लें, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स डिस्प्ले होंगे, लेकिन अगेन अगर आप वाइल लूप फॉर लूप को इस तरह से यूज़ करते हैं तो बेहतर है कि फिर फॉर ना यूज़ करें, तो इसको वाइल ही कह दें, क्योंकि आप वो फॉर लूप की वो इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट वाला स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर रहे, तो यूज़ द वाइल लूप इंस्टेड। तो बाकी तमाम काम वैसे ही हो रहे हैं, और वाइल लूप इससे कह के इसे एग्जीक्यूट कर लें। अगर फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं तो बेटर टू यूज़ ऑल ऑफ इट्स फंक्शनैलिटीज़, इनिशियलाइजेशन भी यहीं पर करें, यहाँ पर ना करें, और इंक्रीमेंट भी इसी के हेडर में ही करें, फिर यहाँ पे नहीं करेंगे। तो दैट इज योर कोड। अनदर थिंग दैट यू कैन डू हेयर इज यू माइट चूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल आई हेयर एज वेल, यू कैन डिक्लेयर द वेरिएबल आई हेयर, तो देन यहाँ पे आप डिक्लेयर नहीं करेंगे और यहीं पे डिक्लेयर करेंगे, अभी भी इसकी आउटपुट वही आएगी। इसमें अब डिफरेंस क्या आएगा कि अगर आप बाहर आके यहाँ पे आके लेट्स सपोज आई की वैल्यू देखना चाहते हैं तो आई यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा, कहेगा कि आई तो डिफाइन नहीं हुआ होगा। क्यों? अभी हमने लेक्चर के शुरू में भी स्कोप की बात की थी, आप यहाँ पे वेरिएबल आई को डिफाइन कर रहे हैं इन इनर स्कोप, अब इसका स्कोप इस वेरिएबल आई को आप प्रोग्राम में कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, वो इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, तो इसका स्कोप आई का स्कोप यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इसके बाद आप आई को एक्सेस नहीं कर सकेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कंपाइलर एरर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। इफ़ यू वांट द वेरिएबल आई ओनली इनसाइड द लूप देन यू माइट डिफाइन इट इन द लूप हेडर, अगर आपको आई की ज़रूरत लूप के बाद भी है देन इट्स बेटर टू डिफाइन इट बिफोर द लूप, नाउ आई की वैल्यू अब आपको बाद में नज़र आएगी। सो यहाँ पे अगर मैं मैसेज डिस्प्ले करूँ आउटसाइड लूप, आउटसाइड द लूप आई की वैल्यू क्या है, तो एज यू कैन सी के अंदर वो 1 से 10 तक डिस्प्ले करेगा, और आउटसाइड लूप आके उसकी वैल्यू अब चूंकि 11 हो चुकी है
और वहाँ पे 11 नज़र आएगी। सो ऑप्शनली आप यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लूप के बाद भी उस वेरिएबल की ज़रूरत है तो डिफाइन इट बिफोर द लूप। ये कुछ चीज़ें उसने यहाँ पे भी बताई, अपडेट एक्सप्रेशन किस तरह आप मुख्तलिफ तरह के यूज़ कर सकते हैं, प्लस इक्वल टू टू वाला यूज़ कर सकते हैं, माइनस माइनस यूज़ कर सकते हैं। और यही वो बात बता रहा है कि वेरिएबल को डिफाइन भी आप फॉर लूप के हेडर के अंदर ही कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफाइन यहाँ पे किया है तो वो आउटसाइड द लूप एक्सेसिबल नहीं होगा। अभी यह चीज़ हमने डिस्कस की। अब यहाँ पे वो रेंज नंबर्स की, एक रेंज से एक स्टार्टिंग नंबर से एक एंडिंग नंबर तक रेंज में तमाम नंबर और उनके स्क्वेयर्स डिस्प्ले करने का एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। तो मिन नंबर भी यूजर से ले रहा है, मैक्स नंबर भी यूजर से ले रहा है, तो नम को मिन नंबर से इनिशियलाइज करता है। इन दिस सैम्पल रन 6 से इनिशियलाइज होगा, लेस दैन इक्वल टू 12, और 6 से लेकर 12 तक जितने भी नंबर्स हैं वो और उनके स्क्वेयर्स एक टेबल फॉर्म में डिस्प्ले कर रहा है। तो जो वेरिएबल के इनिशियल वैल्यूज़ हैं या जो एंडिंग वैल्यू है वो भी आप यूज़र से ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्स्टेंट्स हों। अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज यूजिंग मल्टीपल वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल आई और जे दो वेरिएबल्स हैं, मैं यहाँ पे आई 1 से इनिशियलाइज करता हूँ, जे मैं लेट्स सपोज 5 से इनिशियलाइज करता हूँ। कंडीशन भी कॉम्प्लेक्स लगाई जा सकती है, कंपाउंड लगाई जा सकती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड जे लेस देन इक्वल टू 100, और आई को एक एक से इंक्रीमेंट करो, और जे को लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 4 से इंक्रीमेंट करो, इस तरह भी लिख सकते हैं, और j इज इक्वल टू j प्लस 4 भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे पहले सेमी कॉलन तक पहला पार्ट है जिसके अंदर दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया जा रहा है, i को 1 से, j को 5 से। सेकंड सेमी कॉलन तक आपका कंडीशन वाला पार्ट है जिसमें सिंगल कंडीशन भी हो सकती है, मैंने कंपाउंड कंडीशन उसको बना लिया है, i लेस देन इक्वल टू 5 है एंड j लेस देन इक्वल टू 100 है, और i को मैं एक एक से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और j को मैं 4 से लेट्स सपोज इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। अब लूप के अंदर भी मैं जाहिर है आई को भी डिस्प्ले करना चाहता हूँ और जे को भी डिस्प्ले करना चाहता हूँ, और आउटसाइड द लूप भी लेट्स सपोज मैं ऐसे ही करना चाहता हूँ। लेट्स एग्जीक्यूट एंड सी क्या होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में शुरू में आई 1 है, जे 5 है, वैसे डिस्प्ले हुआ, फिर 2 हो गया आई, और जे में 4 का इंक्रीमेंट हुआ वो 9 हो गया। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड 9 इज लेस देन इक्वल टू 100, बोथ कंडीशन आर ट्रू, देयर एंड इज ट्रू, अंदर आएगा 2 और 9 डिस्प्ले करेगा। सिमिलरली 3 और 13, 4 और 17, 5 और 21 डिस्प्ले होंगे। अब 5 और 21 के बाद सिंस आई हैज बिकम 5, वो इंक्रीमेंट होगा तो वो हो जाएगा 6, और जे इंक्रीमेंट हो चुके हो जाएगा 25। नाउ सिंस 6 इज नो लॉन्गर लेस देन इक्वल टू 5, दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंडीशन इज नाउ फॉल्स, ऑल्दो कि सेकंड पार्ट इज ट्रू, जे इज 25 एंड इट इज मच लेस देन 100, बट सिंस एंड लगा हुआ है तो एक भी फॉल्स होने से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप टर्मिनेट कर जाएगा। आउटसाइड द लूप अगर आप आई और जे की वैल्यू देखेंगे तो 6 और 25 आपको मिलेंगे। तो इस तरह से मल्टीपल एक्सप्रेशन भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कंपाउंड कंडीशन यहाँ पे बना सकते हैं, और मल्टीपल अपडेट स्टेटमेंट्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड अगेन नोट करें कि यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स के दरमियान फिर कॉमा आएगा, और सेमी कॉलन उन तीनों पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाएगा जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। इन एग्जांपल्स को भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, और ओमिटिंग एक्सप्रेशंस की भी हमने बात की थी। आप अगेन इनिशियलाइजेशन ओमिट कर दें, इंक्रीमेंट ओमिट कर दें, सिर्फ कंडीशन लिखी रहने दें, लेकिन इस तरह से फॉर लूप यूज़ करने का फ़ायदा नहीं, इसको फिर वाइल के तौर पर यूज़ कर लें। और तीनों अगर ओमिट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल ऑब्वियसली बिकम एन इनफाइनाइट लूप। इस एग्जांपल को भी देख लीजिएगा, समझ आ जानी चाहिए प्रोग्राम 5.11 को। तो चेकमेट एक्सरसाइजेज हैं, इन्हें भी कर लीजिएगा। कीपिंग अ रनिंग टोटल, आप किसी भी वेरिएबल के अंदर, ये वाला काम हमने पहले भी किया हुआ, किसी भी वेरिएबल के अंदर कुछ नंबर्स का सम लेट्स सपोज इकट्ठा करना चाहते हैं, देखो जीरो से नंबर लेते जाओ। अब कितने नंबर लेने हैं, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि यूजर से
पांच नंबर लेने और नंबर की इनपुट के लिए एक वेरिएबल नंबर बना लेते हैं और उनका सम स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल सम के नाम से बना लेते हैं, उसको जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो व्हाइल आई स्ट्रेसिंग फाइव, जीरो से एक नंबर लें और लूप से बाहर निकल के हम इसका सम स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देते हैं। फोर सेवन एंड सिक्स, तो उसका सम 17 उसने डिस्प्ले कर दिया। अगर आप तीन नंबर नहीं 10 नंबर एंटर करवाना चाहते हैं, यहाँ पे 10 पुट कर दें, जो दो से 10 नंबर लेगा उसका सम करेगा और उसको डिस्प्ले कर देगा। आप जीरो से ही पूछ सकते हैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना के कि कितने नंबर्स का सम आप करवाना चाहते हैं। डू यू वांट टू सम, और इसकी इनपुट ले लें एन में और यहाँ पे एन को पुट कर दें। तो यूज़र अगर कहता है लेट्स सपोज मैंने दो नंबरों का सम करना है, तो दो बार यूज़र को प्रॉम्प्ट किया जाएगा 56 और 15 लेट्स सपोज, उसको सम 71 डिस्प्ले करते हैं। तो दिस इज़ अ सिंपल लूप विच इज़ यूजिंग दिस वेरिएबल सम टू अक्यूमुलेट द सम ऑफ द ऑल द नंबर्स। यही टर्म्स हैं यहाँ पर यूज़ किए अक्यूमुलेटर के नाम से। अब यही लॉजिक आप यूज़ कर सकते हैं लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए लेट्स सपोज, या स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए, जो हमने सूडो कोड में ऑलरेडी की भी हुई है कि मल्टीपल नंबर एक एक करके यूजर से लेते जाओ, उसमें से लार्जेस्ट का ट्रैक रखो या स्मॉलेस्ट का ट्रैक रखो या लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट दोनों का ट्रैक रखो। जो आपने असाइनमेंट वन के अंदर भी सवाल किया होगा, उससे पहले लैब के अंदर भी किया था। तो इस तरह के लूप से वो काम किया जा सकता है। अब ये तो हो गया आपका काउंटर कंट्रोल लूप, जिसके अंदर या तो आप वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, एक ये ऑप्शन है डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, या यूज़र से पूछ सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे पूछे। अब बात का ना आप फिक्स कर सकते हैं ना यूज़र को मालूम होता है कि कितने नंबर आने वाले हैं, तो उन केसेस में हम यूज़ करते हैं, अगर आपको याद हो, एक सेंटिनल कंट्रोल लूप। तो पहले जो हमने लूप डिस्कस किए दे आर कॉल्ड काउंटर कंट्रोल। तो सेंट्रल कंट्रोल लूप में आप किसी खास वैल्यू का वेट कर रहे होते हैं कि यूज़र लेट्स सपोज पॉजिटिव वैल्यूज एंटर करेगा, यूज़र जैसे कोई नेगेटिव वैल्यू एंटर करता है तो तब रुक जाओ, तब सम करना बंद कर दो। तो उसकी लॉजिक क्या बनेगी, उसकी लॉजिक में पहला नंबर आप यूज़र से लूप से पहले इनपुट करवाएंगे, लूप की कंडीशन में उसको चेक करेंगे कि व्हाइल नम इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो, जीरो है या ग्रेटर दैन जीरो है तो तभी वैलिड है, उसको सम में ऐड कर लो और फिर दोबारा प्रॉम्प्ट कर दो यूज़र से इनपुट के लिए। अगला नंबर लो, उसको चेक करोगे ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो है एंड सो ऑन। तो यूज़र जब तक कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं एंटर करता ये लूप चलता रहेगा, जैसे कोई नेगेटिव वैल्यू एंटर करेगा लूप विल टर्मिनेट और बाहर निकल के वो जो भी सम अब तक कैलकुलेट किया होगा एग्जिस्टिंग नंबर्स का, पॉजिटिव नंबर्स का, वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। तो दिस इज़ सेंट्रल कंट्रोल लूप, जिसके अंदर आप यूजर से इनपुट लेते जा रहे हैं अंटिल यूजर एंटर्स अ नेगेटिव वैल्यू। तो लेट्स सपोज मैं एंटर करता हूं मुख्तलिफ वाले 4, 3, 6, 0, 5, 8 और इवेंचुअली आई एंटर -1। सो जितने भी पॉजिटिव नंबर थे उन सबका सम उसने अब -1 से पहले पहले जितने भी नंबर थे उस सबका सम उसने कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर दिया। तो यही तीन तरह के लूप्स आपको लगाने की जरूरत पढ़ सकती है। एक काउंटर कंट्रोल लूप्स जिसके अंदर नंबर ऑफ आइट्रेशंस इसको अगर हम n कह दें आर नोन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बताया जाता है कि ये पांच नंबर लेने, तो उसके मुताबिक आप कंडीशन लगा सकते हैं या नंबर ऑफ आइट्रेशंस
taken from the user, यूज़र से लेके प्रॉम्प्ट करके आप पूछ सकते हैं कि कितनी दफ़ा आपने लूप चलाना है, उसके मुताबिक आप उसको चला सकते हैं आपको। या फिर आपके पास आ जाते हैं सेंट्रल कंट्रोल्ड लूप्स, जिसके अंदर आप यूज़र से इनपुट लेते रहते हैं टिल द यूज़र एंटर्स अ सेंटिनल विच इज़ एनी स्पेशल वैल्यू। हमारे वाले प्रॉब्लम के अंदर वो था कि यूज़र पॉजिटिव वैल्यू एंटर कर रहा है, अगर जैसे कोई नेगेटिव वैल्यू है वो सेंटिनल है, या कोई और स्पेसिफिक वैल्यू भी 1999 या ऐसी कोई और वैल्यू भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो एट द हाईएस्ट लेवल काउंटर कंट्रोल लूप्स हैं, सेंटर कंट्रोल लूप्स हैं। सो इस सेक्शन को भी 5.7 को भी हम कवर कर चुके हैं, जो एग्जाम्पल दी है उसको भी देख लीजिएगा। एंड फाइनली ये सेंट्रल कंट्रोल लूप की अभी हमने बात की, सेंटिनल इज एनी स्पेशल वैल्यू दैट मार्क्स द एंड ऑफ अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो हम कोई भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी उसने -1 को यूज़ किया है कि जब तक यूज़र -1 ना एंटर करे तब तक वो यूज़र से इनपुट लेता रहे और उसके अंदर एंटर करता रहे। हमने अपनी एग्जांपल में कहा था कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज अ सेंट्रल वैल्यू। सो दैट कंप्लीट सेक्शन 5.8। हमने सेक्शन 5.8 तक कवर कर लिया आज के लेक्चर में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और इससे रिलेटेड जो टास्क वगैरह हैं कुछ वो आपको करने के लिए मैं दे दूंगा, वो देख लीजिएगा, और अगले लेक्चर में इससे ऑनवर्ड्स हम बात करेंगे।